बोर्ड अध्यक्षों के साथ किया मंथन, 10 दिन में मांगे रिपोर्ट कार्ड, बजट घोषणाएं आम जन तक पहुंचाने के निर्देश, तो ब्यूरोक्रेसी पर भी कसे गए तंज। ब्यावर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में सियासत शुरू, आज पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने किया घटनास्थल का दौरा, मुआवजा बढ़ाकर 5-5 लाख करने और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग। लगातार खुलती जा रही है नर्सेज भर्ती में गोलमाल की परतें, दिव्यांगों को दो वर्गों में रखकर बताई नियुक्तियां, जी मीडिया की पड़ताल में खुली पोल, जवाब मांगने पर अधिकारियों ने साधी चुप्पी। नियमों को धता बताकर माननीय ने उठाया शाही ट्रेन का लुत्फ, पूर्व राज्यपाल प्रतिभा पाटिल पर लगे आरोप, रिश्तेदारों सहित रसोइये तक को करवाई मुक्त यात्रा, मामले में जांच की मांग। जोधपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर फिर से उठे सवाल, राजसमंद लाइव मर्डर केस के आरोपी शंभुलाल ने वीडियो किए वायरल, अपनी जान को बताया खतरा, गृहमंत्री बोले दोषियों पर होगी कार्रवाई। भीलवाड़ा एसीबी ने राजसमंद में दबोचा घूसखोर बीडीओ, भीम इलाके में की कार्रवाई, नरेगा का बिल पास करवाने के एवज में ली थी घूस, 7,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। और डूंगरपुर में खाकी पर फिर लगे बदनामी के दाग, बिछीवाड़ा थाने के एसएचओ पर महिला हेड कांस्टेबल से दुष्कर्म के आरोप, राज्य महिला आयोग ने एसपी से मांगी रिपोर्ट। नमस्कार और स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। खबरों की शुरुआत विधानसभा में बजट भाषण पर सीएम के जवाब के साथ। सरकार ने दंड विधियां संशोधन विधेयक वापस ले लिया है, यह ऐलान सीएम ने आज बजट भाषण पर जवाब के दौरान दिया। राजे ने 45 मिनट के भाषण में सरकार की विकास योजनाएं गिनाई, साथ ही कांग्रेस के हंगामे पर भी जमकर कटाक्ष किए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को विधानसभा में बजट पर हुई बहस का जवाब दिया। सीएम राजे ने अपने 45 मिनट के संबोधन में सरकार के बजट को लोक कल्याणकारी बजट करार दिया और विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया। सीएम राजे ने अपने संबोधन में कहा कि बजट की सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष भी इसमें कोई कमी खामी नहीं निकाल पाया। कांग्रेस को चिंता सता रही है कि ये बजट अगर जमीन पर आ गया तो उनका सपना पूरा नहीं होगा। बजट सदन के पटल पर रखने के बाद प्रेस वार्ता में मुझसे पूछा गया कि क्या 6 महीने में बजट घोषणाएं पूरी हो जाएंगी या सरकार चुनावी मोड में चली गई है, तो मेरा जवाब था कि ये हमारा सामान्य आचरण है, इसलिए हमारी तुलना कांग्रेस के साथ नहीं की जाए। हमारी पिछले साल की 90% बजट घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। स्वराज संकल्प पत्र के 84% वादे भी पूरे किए जा चुके हैं। हमें विश्वास है कि हम बजट के सभी पहलुओं को पूरा कर देंगे। हमने पिछले 4 सालों में टीम राजस्थान के बलबूते पूरी ताकत के साथ प्रदेश का विकास किया, आम जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया। कांग्रेस को ये पच नहीं रहा है, इसलिए हल्ला कर रहे हैं। कर्ज लेकर भी गरीबों तक लोक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाई। बजरी को लेकर सदन में हंगामा हुआ, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि खनन संबंधित बदलाव का कानून लाया कौन था? इन लोगों ने बिना ईसी पट्टे बांट दिए। हम नई बजरी पॉलिसी बनाएंगे और छोटे छोटे पट्टे देंगे। बजट भाषण की सबसे अहम घोषणा लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी था, जिसे सुनते ही कांग्रेस को झटका लगा। कांग्रेस ने 50 सालों में किसान के कर्जे माफ क्यों नहीं किए? प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसानों के कर्जे माफ किए गए हैं, क्योंकि हमें है किसानों की चिंता। हमने प्रदेश के 70% और 2 लाख से ज्यादा किसानों को सौगात दी है। सीएम राजे ने इस दौरान किसानों के ऋण संबंधी आयोग का उदाहरण दिया। सीएम राजे ने कहा कि हम विकास की नींव किसानों के आधार पर ही रखना चाहते हैं। अगर हम आधुनिक राजस्थान बनाएंगे तो किसान हमारे लिए सबसे पहले हैं। सीएम राजे ने कहा कि मिड डे मील में बच्चों को दूध पिलाने के लिए 250 करोड़ का बजट पारित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो। पिछली कांग्रेस सरकार ने जहां 5 सालों में 25,000 करोड़ का फसली ऋण बांटा था, वहीं हमने महज 4 सालों में ही 62,000 करोड़ का फसली ऋण बांट दिया। साथ ही किसानों का बीमा भी 12 गुना बढ़ाया। किसान हमारे अन्नदाता हैं, इसलिए ही हमने बजट में उन्हें प्राथमिकता दी है। वहीं उदय योजना से विद्युत कंपनियों की माली हालत में सुधार आया है, घाटे में कमी आई और बिजली की क्वालिटी और क्वांटिटी में भी इजाफा हुआ है। दलित वर्ग के समग्र विकास के लिए सभी नगर पालिकाओं में अंबेडकर भवन बनाने का फैसला किया गया है। एसटी एससी और ओबीसी को 2 लाख तक के ऋण दिए जाएंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम राजे ने कहा कि कांग्रेस ने केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया और वोट बैंक की राजनीति की। वहीं हमारा मानना है कि गरीबों को अवसर मिलने चाहिए, ताकि हाथ फैलाने की नौबत ही ना आए।
इसलिए सुंदर सिंह भंडारी ईबीसी ऋण योजना शुरू की गई है। इस दौरान सीएम राजे ने दंड विधियां संशोधन विधेयक को प्रवर समिति से वापस लेने की घोषणा की और कहा कि ये विधेयक कानून बना ही नहीं था। जब कानून बना नहीं तो क्या वापस लेते, लेकिन फिर भी मैं प्रवर समिति से वापस लेने की घोषणा करती हूँ। लेकिन क्या कांग्रेस ने आपातकाल के लिए देश से माफी मांगी? सीएम राजे ने बड़े ऐलान करते हुए कहा कि कुष्ठ रोगियों को मुफ्त इलाज के साथ साथ हर महीने 1,500 रुपए पेंशन मिलेगी। सशक्त समाज के लिए महिला कर्मियों को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी ऐतिहासिक इजाफा किया गया। नाबालिग बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वालों को मृत्यु दंड का प्रावधान किया जाएगा। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग का गठन भी उपलब्धियों में शुमार। भैरव सिंह शेखावत स्मृति में स्वरोजगार योजना शुरू की। होमगार्ड जवानों के मानदेय में इजाफे के साथ साथ 2500 होमगार्डों की भर्ती, 686 जेल प्रहरियों की भर्ती, हेड कांस्टेबलों के नए पदों का हो सृजन, एक्स सर्विसमैन की संविदा दरों में 10% की वृद्धि, जयपुर में 500 करोड़ की लागत से भामाशाह टेक्नो हब बनेगा, कोटा उदयपुर और जोधपुर में इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा, गन्ना उत्पादकों से पंजाब के समान दरों पर खरीद होगी। सीएम राजे ने कहा कि हम इसी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से प्रदेश के विकास में जुटे रहेंगे और नए राजस्थान के निर्माण के सपने को साकार करके ही रहेंगे। अपने संबोधन का अंत सीएम राजे ने शायराना अंदाज में करते हुए कहा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। राजनीति तो सब कर लेते हैं, फिर राज्य धर्म ऐसे निभाओ कि मिसाल बन जाए। संवाददाता ऋतुराज शर्मा, नरेश शर्मा, योगेश शर्मा, शशिमोहन शर्मा के साथ ऐश्वर्य प्रधान, जी मीडिया, जयपुर। वहीं से पहले विधानसभा में आज एक बार फिर से वीडियो बम की गूंज सुनाई दी। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। डूडी ने राठौड़ को एनकाउंटर के मामले में आरोपी बताया। इसके बाद बजट पर बहस हंगामे की भेंट चढ़ गई। सदन में बजट पर बहस हंगामे की भेंट चढ़ गई। विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही वीडियो बम की गूंज सुनाई देने लगी। इस बीच सत्ता और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई, एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। आरोपों के बीच रामेश्वर डूडी ने तेश में आकर संसदीय कार्य मंत्री को यहां तक कह दिया कि वो एक एनकाउंटर कांड में आरोपी रहे हैं, जेल जाकर आए हैं। डूडी के इस बयान पर भी सदन में हंगामा हुआ। सदन के भीतर की जुबानी जंग बाहर मीडिया के कैमरों के सामने भी दिखी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने नेता प्रतिपक्ष को अपनी ऊपर लगे हुए आरोपों के स्पष्टीकरण देने का जब समय दिया, वो बोल रहे थे, उससे बीच बीच में संसदीय कार्य मंत्री और सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक उनको बाधित कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया, उनको बोलना चाहिए था। यहाँ तक अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि कोई भी व्यक्ति इनसे प्रश्न भी नहीं पूछेगा और इसके बाद में भी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। इतना इससे बढ़िया मौका कोई हो नहीं सकता था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की। हंगामे के कुछ देर बाद बजट पर बहस शुरू हो गई, लेकिन रामेश्वर डूडी ने सदन में राठौड़ पर निशाना साधे रखा। डूडी ने कहा कि उन पर सत्ता पक्ष ने जो भी आरोप लगाए वो झूठे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो को एडिट करके आरोप लगाए गए हैं। सदन के बाहर भी राजेंद्र राठौड़ पर आरोप लगाते हुए डूडी ने कहा कि अगर सही जांच हो तो दारिया एनकाउंटर में कौन हत्यारा था, इसका भी खुलासा हो जाएगा। डूडी ने आनंद पाल एनकाउंटर में भी खुलासा करने की बात कही। सरकार जवाब से भाग रही है, मेरे पे राजेंद्र राठौड़ ने और इनके उप मुख्य सचेतक ने एक वीडियो जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का था नोखा में 30 जनवरी को, उस पौन घंटे के वीडियो को सिर्फ 40 सेकंड का एडिटिंग करके मेरे पे उन्होंने बगैर नियम कानूनों के तहत उन्होंने मेरे पे आरोप लगाए। मैं इस आरोप का मेरा जवाब देना चाहता था, सत्ता पक्ष के लोग सुनना नहीं चाहते। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने तल्ख प्रतिक्रिया दी। राठौड़ ने कहा कि रामेश्वर डूडी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सदन के वेल में डूडी के पक्ष में महज 8 विधायकों का आना दर्शाता है कि विपक्ष टुकड़ों में बटा है, फिर भी सीएम की दौड़ लगा रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि दारिया मामले में जयपुर सत्र न्यायालय से आरोप मुक्त हो चुके हैं, बिना सबूत के लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। राठौड़ ने कहा कि सदन की नेता के जवाब में परेशानी डालने के लिहाज से विपक्ष हंगामा कर रहा है। बिना प्रमाण के जो आरोप लगाए हैं मैं उनको सिरे से खारिज करता हूं, और आज सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेता अपने दल के कितने सदस्यों का विश्वास अर्जित किए हुए हैं ये स्वतः ही इस उपस्थिति से स्पष्ट हो गया जब उनके साथ वेल में जाने वाले कांग्रेस के सदस्यों की संख्या मात्र 8।
सदन में लगातार हो रहे हंगामे के बीच डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। अब दोनों पक्षों को बातचीत से ही कोई रास्ता निकालना होगा, लेकिन सदन के भीतर और बाहर दोनों ही जगह आरोपों का स्तर व्यक्तिगत होने से चिंता इस बात की भी है कि आखिर ये डेडलॉक टूटेगा कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के कथित सट्टे से जुड़ा हुआ वीडियो वायरल होने के बाद में बीजेपी हमलावर है। संसदीय कार्यमंत्री राजेंद्र राठौड़ ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि नेता प्रतिपक्ष को खुद को निर्दोष साबित करने के लिए प्रमाण देने चाहिए। साथ ही उन्होंने रामेश्वर डूडी को संसदीय ज्ञान नहीं होने का भी आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष आए और मीडिया से बातचीत की और खासतौर पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए, आप पर आरोप लगाए, आनंद पाल एनकाउंटर पर भी उन्होंने मंत्रियों के शामिल होने की बात कही है। अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो निश्चित तौर पर अपने प्रमाणों के साथ उनको आगे आना चाहिए, पर प्रतिपक्ष के नेता इतनी बचकानी और छोटी बात कर जाएंगे ऐसे इस पद को शोभा नहीं देते। उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कह दी जो आज न्यायिक विवेचना में है। उन्हें संसदीय ज्ञान का पूर्णतः अभाव है। उनको उन्होंने लगातार दारिया एनकाउंटर मामले पर आपको लेकर बातचीत की, उन्होंने कहा कि यह भेद खुलेगा, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच ऐसी बात उन्होंने कही। दारिया एनकाउंटर में उन्हीं के समय में सीबीआई ने जांच की और जयपुर जिला सत्र न्यायाधीश ने मुझे आरोप मुक्त किया। चूंकि ये मामला अभी भी न्यायिक विवेचना में, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर बेबुनियाद के इस प्रकार की बात को कहकर सनसनी पैदा करना और उस पद पर बैठे हुए नेता का करना जो एक संसदीय प्रक्रिया का एक अंग है, मैं समझता हूं जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आनंदपाल एनकाउंटर पर सच सामने आने की बात कही है, सच क्या है आखिर, जिस तरीके से वो बात कर, उनके पास कोई प्रमाण होते दिन चुप क्यों रहे वो? तो इस पर मैं उन पर आरोप लगा रहा हूं कि इस प्रकार के मामले में जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में रही, उनके वो कहते हैं मेरी जानकारी थी, तो एक जिम्मेदार व्यक्ति को उन जानकारियों को राज्य सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाई? क्यों नहीं उन्होंने कई प्रकार के पत्र राज्य सरकार को लिखा है? क्यों नहीं इस बात को उन्होंने कहा कि मेरे पास अमुक अमुक जानकारी है जिसका जवाब राज्य सरकार देती? बहुत वरिष्ठ विधायक है, वो दौर भी आपने देखा है जिस दौर में बड़े शांति से चलती थी, कोई बात कहनी होती थी तो नियम प्रक्रियाओं के तहत कहा जाता था। नहीं लगता कि काफी बदलाव आ गया है? आरोप यहाँ पर सत्ता पक्ष विपक्ष पर लगाता है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगाता है। देखिए, सत्ता पक्ष निरंतरता से इसमें प्रयास में रहता है कि सदन अच्छी तरह से चले। प्रतिपक्ष का गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रतिपक्ष के नेता वास्तव में नेता पद पर तो बैठ गए जोर तोड़ से, परंतु प्रतिपक्ष के विधायक इनको नेता मानते नहीं। इसके लिए इनके अनुशासन में एक आदमी भी नहीं है, इसीलिए सारा नजारा हम रोज देखते हैं। शुक्रिया। तो संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ साहब ने ये तमाम बातें कही हैं, नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया उन पर और उसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से उन्होंने जवाब दिया। खासतौर पर एक और इशू चल रहा है तबादलों को लेकर, उस तबादले के इशू पर भी उन्होंने अपनी बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के विधायकों से भी हम डिजायर मांगते हैं, कांग्रेस के विधायक भी यदि कोई डिजायर देते हैं तो उनके भी तबादले किए जाते हैं। सीधे रुख करते हैं जयपुर न्यूज रूम का। नरेश शर्मा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। नरेश, बहुत दुखद है और बहुत दुख होता है जब हमें यह पता चलता है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री अपने बजट भाषण पर जवाब दे रही हो, बजट पर जवाब दे रही हो बहस के बाद में, और उस वक्त हंगामा हो रहा और नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कह ही ना पाए, सदन में उनकी बात हो ही ना, उनका जवाब भी आना जरूरी था, उनको भी अपनी बात रखनी थी, वो भी ना हो, आज की परिस्थितियां दुखद थी। राहुल, देखिए, शुक्रवार को जो विधानसभा में हंगामे का सिलसिला शुरू हुआ था वो बदस्तूर आज भी जारी रहा। जब भी प्रश्नकाल शुरू हुआ तो विपक्षी जो है उन्होंने हंगामा किया। हालांकि तब विधानसभा अध्यक्ष ने उनको आश्वासन दिया था कि जब प्रश्नकाल खत्म होगा उनके बाद नेता प्रतिपक्ष को मौका दिया जाएगा अपनी बात का रखने का, और जो ही शून्यकाल शुरू हुआ और नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी तो कुछ देर बाद फिर हंगामा शुरू हुआ, और वो हंगामा ऐसा बरपा कि शाम 4 बजे तक है वो यही सिलसिला जारी रहा। 4 बजे की जब फिर से कार्रवाई शुरू हुई तो फिर हंगामा शुरू हुआ, और ये राजस्थान विधानसभा इतिहास में पहली बार हुआ जब बजट की डिबेट में नेता प्रतिपक्ष है उनका भाषण नहीं हुआ और जो सदन की नेता है उनका भाषण हुआ। लेकिन सदन की नेता ने जो 45 मिनट तक भाषण दिया, जो अपनी उपलब्धियां गिनाई और जो नई घोषणाएं की, उस दौरान जो विपक्षी विधायक है, जो कांग्रेस विधायक है, वो वेल में खड़े रहे और पूरे समय तक हंगामा करता रहा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दोनों तरफ से चला है, जहां जो प्रतिपक्ष उनका कहना है कि उन पे जो आरोप लगाया गया, उनके नेता पे जो आरोप लगाया उनका जवाब नहीं दिया देने जा रहा सत्ता पक्ष की तरफ से। वही सत्ता पक्ष का ये कहना था
कि विधानसभा अध्यक्ष ने जब ये व्यवस्था दी कि जब नेता प्रतिपक्ष जवाब देंगे उस बीच कोई टोकाटोकी नहीं होंगी, तो उसका गलत फायदा उठाते हुए प्रतिपक्ष नेता दूसरी बातें कर रहे हैं। तो एक तरह से कहे कि डेड लॉक है वो अंत तक बना रहा, जब मुख्यमंत्री का भाषण चलता रहा उस दौरान भी वेल में नारेबाजी होती रही। अब देखना यह कि यह डेड लॉक कैसे टूटेगा, और जो डेड लॉक टूटेगा वो बातचीत से ही टूटेगा। लेकिन मुख्यमंत्री की जब बजट भाषण की बात करें तो मुख्यमंत्री ने जो भाषण दिया तो मुख्यमंत्री काफी ये कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग तेवर में दिखाई दी, और उन्होंने जो वादे किए, उनका कहना था कि जो भी वादे किए, जो भी घोषणाएं की है, उन्होंने इतिहास बताया कि उन्होंने जो पहले बड़ी बात ये रही है कि जो जिस कानून को लेकर प्रदेश में इतनी चर्चा हुई जिस कानून को लेकर, उस कानून को भी वापस लेने की, पहले तो ये भी कहा कि साहब कानून बना ही नहीं तो वापस क्या लें, लेकिन अगर किसी समिति में, प्रवर समिति में उसे लेकर के विचार हो रहा था तो मैं वहां से भी वापस लेने की घोषणा करती हूं। राहुल बिल्कुल, ये भी आज का बड़ा मुद्दा था कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिसे काला कानून कहा जा रहा है वो कानून अभी बना ही नहीं है, ऐसे में उसके वापस लेने की मांग की जाए तो किसको वापस ले। और यही कारण था कि जो ऑर्डिनेंस था उसको लेप्स होने दिया गया, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री शब्द बोला कि फिर भी वे प्रवर समिति से इसको वापस लेती है। तो ये एक कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने ये कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी दिखाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, और जो जिस पे काफी बहस हो रही थी, जिस पे काफी विवाद हुआ था, वो उस प्रावधान को वापस ले लिया है। बिल्कुल नरेश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नरेश जिमीदार संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, और आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। बोर्ड अध्यक्षों के साथ किया मंथन, 10 दिन में मांगे रिपोर्ट कार्ड, बजट घोषणाएं आम जन तक पहुंचाने के निर्देश, तो ब्यूरोक्रेसी पर भी कसे गए तंज। ब्यावर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में सियासत शुरू, आज पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने किया घटनास्थल का दौरा, मुआवजा बढ़ाकर 5-5 लाख करने और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग। लगातार खुलती जा रही है नर्सेज भर्ती में गोलमाल की परतें, दिव्यांगों को दो वर्गों में रखकर बताई नियुक्तियां, जी मीडिया की पड़ताल में खुली पोल, जवाब मांगने पर अधिकारियों ने साधी चुप्पी। नियमों को धता बताकर माननीय ने उठाया शाही ट्रेन का लुत्फ, पूर्व राज्यपाल प्रतिभा पाटिल पर लगे आरोप, रिश्तेदारों सहित रसोइये तक को करवाई मुफ्त यात्रा, मामले में जांच की थी मांग। जोधपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर फिर से उठे सवाल, राजसमंद लाइव मर्डर केस के आरोपी शंभुलाल ने वीडियो किए वायरल, अपनी जान को बताया खतरा, गृहमंत्री बोले दोषियों पर होगी कार्रवाई। भीलवाड़ा एसीबी ने राजसमंद में दबोचा, एक्शन देने के लिए जरूरी मटेरियल की खरीद फरोख्त की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सबसे पहले तो हमने मुख्यमंत्री महोदय के डिक्लेरेशन के जस्ट बाद में जो फरवरी 2010 से लेकर 31 जनवरी 2012 तक के कनेक्शंस हैं उसको वर्कआउट करके और उसको मैनेजमेंट से अप्रूवल लेके उसके निर्देश निकाल दिए कनेक्शन जारी करने के, तीनों डिस्कॉम के लिए। आज बजट घोषणा का दावा किया गया है कि ये कनेक्शन रबी की फसल से पहले दिए जाएंगे, यानी अक्टूबर तक 2 लाख कनेक्शन हो जाएंगे, लेकिन खुद विभाग के अधिकारी मान रहे हैं कि ये काफी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि डिस्कॉम इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करने में कितना सफल हो पाता है। विकास शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। मिशन 2018 के लिए जुटी बीजेपी ने सियासी नियुक्ति प्राप्त नेताओं की जन कुंडली बनाने का काम तेज कर दिया है, और इसी के चलते आज प्रदेश मुख्यालय में बोर्ड, निगम चेयरमैन, जिला प्रमुख और महापौरों की बैठक हुई, जिसमें वी सतीश, अशोक परनामी और चंद्रशेखर ने बजट घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने सहित कई अहम निर्देश दिए। तीन उपचुनाव के परिणाम ने बीजेपी को हिला दिया है, अब मिशन 2018 और 19 को लेकर अलग रणनीति तैयार की जा रही है। प्रदेश मुख्यालय में समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो गया, समीक्षा उनकी भी की जा रही है जिन्हें मौजूदा राज्य शासन में सियासी नियुक्तियां मिली हैं। बोर्ड, निगम अध्यक्षों साथ ही जिला प्रमुख और महापौरों की समीक्षा बैठक में वी सतीश, अशोक परनामी और चंद्रशेखर ने कई निर्देश भी दिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में अशोक परनामी ने कहा कि बीजेपी ने अच्छी योजनाएं दी हैं, चाहे किसान हो या गांव गरीब, हर वर्ग को राहत पहुंचाने का काम किया, कांग्रेस ने तो किसान को कर्ज में डुबोया। बैठक का एक ही एजेंडा था कि किस प्रकार से जनता के बीच में जाकर के
हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रदेश सरकार की योजनाओं को और प्रभावी रूप से नीचे तक पहुंचाने का काम, हमारे जितने भी संगठन के जो कार्यक्रम है उन संगठन के कार्यक्रमों में प्रभावी रूप से इन जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। इसके साथ साथ इन तीन उपचुनाव में जो हमारे को विजयी हासिल नहीं हुई उन कारणों पर चर्चा करना और उन कमियों को दूर करके पुनः राजस्थान प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास को कायम करना। बैठक में कई बातें उठी। जिन नेताओं को सियासी नियुक्ति मिली है उन नेताओं ने कहा कि अधिकारी हमें पहचानते तक नहीं है, ऐसे में उनके साथ कम्युनिकेशन गैप रहता है और न ही हमारी बात सुनते हैं। भूपेंद्र सैनी और शंभू सिंह खेतासर ने खाली पड़े सियासी पदों को भरने की बात कही। वहीं आला कमान ने अपने कामकाज की रिपोर्ट बनाने को कहा है। जिला प्रमुख और मेयरों को भी टास्क सौंपा गया है। हर बार हम लोग की जो तीन महीने के बाद बैठक होती है बोर्ड और आयोगों के जो अध्यक्ष हैं उनको उनके वर्किंग रिपोर्ट ली जाती है और हम लोग क्या नवाचार कर रहे हैं अपने विभाग में, कैसे सारी योजनाओं को हम लोग नीचे ले जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेना और हम लोगों ने जो किया है उसकी जानकारी देना, वही बैठक थी। और हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन दिए गए आगे जो और किस तरह से हम लोग फास्ट काम करें। हर बार हर तीसरे महीने इस प्रकार की एक बैठक करते हैं जिसमें सभी बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन की जो पुरानी अचीवमेंट्स हैं उन पर भी बात करते हैं, साथ ही साथ संगठन पर भी बात होती है। हर दृष्टि से मंथन करके हम लोग एक रोड मैप भी कंस्ट्रक्ट करते हैं और उस रोड मैप को अब की बार जैसे हमने बहुत गहरे जनसंपर्क का और जो हमारे काम है उनको जनता तक और गहराई तक कैसे ले जा सके इस पर एक ब्लूप्रिंट बनाया है। बहरहाल बैठक से मिले संकेत के आधार पर कहा जा सकता है कि पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतरने वाले निगम और बोर्ड चेयरमैन बदले जा सकते हैं। माना जा रहा है कि कुछ निगम बोर्ड अध्यक्षों की कार्यशैली से भी नेतृत्व खफा है, ऐसे में चुनावी साल में बदलाव संभव है। जिला प्रमुख और मेयर से भी साफ कह दिया गया है कि जनता के बीच जाकर खुद को साबित करें और सरकार की उपलब्धियों को जन जन के बीच पहुंचाने में भूमिका निभाएं। योगेश शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। ब्यावर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में अब सियासत शुरू हो चुकी है। आज पीसीसी चीफ सचिन पायलट घटना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग की, साथ ही परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी की भी घोषणा करने की मांग की। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ब्यावर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने गैस सिलेंडर दुखांतिका मामले में अधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से घटना की पूरी जानकारी ली। इसके बाद पायलट पीड़ित परिवारों से मिलने उनके घर भी गए। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि राहत कार्य समय और सही तरीके से चलाया जाता तो मौतों का आंकड़ा कम होता। सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से यह हादसा हुआ है वो दुखद है, लेकिन मामले की जांच के साथ मामले में सरकारी लापरवाही को भी रेखांकित किया जाना चाहिए। यदि मामले में कोई अधिकारी दोषी है तो उसे भी चिन्हित किया जाना जरूरी है। ये जो हादसा हुआ है अत्यंत दुखदायी है और मैं ऐसा मानता हूं कि जब भी ऐसी दुर्गति होती है उसमें ऐसी दुर्घटना में हम सबको संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने बताया कि सरकार द्वारा शराब दुखांतिका जैसे मामलों में 5 लाख से अधिक का मुआवजा दिया जाता है, जबकि इस मामले में सरकार ने महज 2 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। सचिन पायलट ने सरकार से मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की मांग की। कई घंटों तक ये प्रकरण चला। अब जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों को, अभी हम एक महिला के घर गए जिनकी मृत्यु हो गई है, वो बर्तन मांझ के अपने घर का पालन पोषण करती थी। अब ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सरकार को जो मृतक जन है उनके परिवार वालों को जो मुआवजा सरकार ने दिया है वो नाकाफी है, उसको बढ़ा के देना चाहिए। इस मामले में जिन 19 लोगों की मौत हुई है उनमें से सबसे ज्यादा लोग पीपार सिटी के ही रहने वाले हैं, ऐसे में सचिन पायलट इसके बाद पीपार सिटी रवाना हो गए। इस दौरान सांसद रघु शर्मा और कांग्रेस देहात अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ भी उनके साथ मौजूद रहे। मनवीर सिंह, जी मीडिया, अजमेर। जोधपुर के सेंट्रल जेल में एक बार फिर से सुरक्षा की पोल खुल गई है। जेल में बंद राजसमंद लाइव मर्डर मामले के आरोपी शंभूलाल रेगर के जेल से 2 वीडियो वायरल हुए जिसमें शंभूलाल ने जेल में एक बंदी से खुद को जान का खतरा बताया है। पहला वीडियो 2 मिनट 25 सेकंड का है जबकि दूसरा वीडियो 6 मिनट 19 सेकंड का है। ये वीडियो वायरल होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वीडियो में शंभूलाल रेगर ने कहा है कि कुछ दिनों से वसुदेव ब्राह्मण नाम के बंदी से ने उससे दोस्ती बढ़ाई है। वसुदेव पश्चिम बंगाल का है और फर्जी नाम पते से जेल में बंद है। वसुदेव उसे मारना चाहता है।
जेल में से होने का सवाल है तो बड़ी बात है, कहीं ना कहीं तलाशी में या कहीं चूक हुई है, क्योंकि इन दिनों ये बंदी थोड़ा सा मंदिर वंदिर भी जाने लगा था, हम इसको थोड़ी ढील दी थी, हो सकता है वहाँ किसी बंदी से इसने मोबाइल ले लिया और वो किया हो, उसके बाद में हमने तलाशी की तो ये बता नहीं रहा है अभी कि ये किससे लिया और कहाँ इसने उसको बाद में डाला छुपाया या किया, लेकिन उसके बाद तलाशी लगातार जारी है और हम हो सकता है आज शाम तक कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल कर पाएं, उसको जब बरामद भी कर पाएं। मामले पर गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि जेल में शंभूलाल के पास में मोबाइल कहां से आया इस बात की जांच की जा रही है, उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। पास ये कहीं तो भी मोबाइल हाथ आया वो जांच मेरी बात हो गई वहां से रिटर्न से भी, जो हमारा इस समय जो है ना वहां इंचार्ज है, घटना की सारी जानकारी के बाद ही कहां हुआ है, किसकी गलती है, कहां लैपटॉप रहे हैं, उसकी जांच। झारखंड में हजारीबाग के उलांज गांव में शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई। स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में आयोजित इस कलश यात्रा के दौरान 501 महिलाओं ने अपने सिर पर कलश धारण किए। वहीं कार्यक्रम में जी रीजनल चैनल्स के सीईओ जगदीश चंद्रा ने भी शिरकत की। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और जयपुर फुट यूएसए की ओर से नाकोड़ा तीर्थ में चल रहे 3 दिवसीय दिव्यांग सहायता शिविर में कई दिव्यांग पहुंच रहे हैं। शिविर में अब तक 750 दिव्यांगों को लाभान्वित किया जा चुका है। जल्द ही अमेरिका में शिविर संबंधी प्रदर्शनी और सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। राणा के मीडिया चेयरमैन प्रेम भंडारी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इसके उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया है, तो वहीं पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह को भी इस प्रदर्शनी और सेमिनार में आमंत्रित किया गया है। प्रेम भंडारी ने बताया कि अब अलग अलग 29 देशों में 66 से ज्यादा कैंप्स आयोजित किए जा चुके हैं। कल शाम तक जो मुझे जानकारी मिली है उसमें अब तक 750 दिव्यांगों की सहायता इस कैंप के मार्फत हो चुकी है। ये कैंप अमेरिका में परफ्यूम के सबसे बड़े व्यवसायी हैं श्री कनकराज गोलिया, उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में करवाया। अभी ये कैंप 3 दिन के लिए है, आवश्यकता पड़ी तो हम इसे बढ़ा भी देंगे। हमारे संस्थापक डी आर मेहता साहब तथा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी दोनों ही चाहते हैं देश को दिव्यांग मुक्त करना, उसी मिशन को लेके मैं इस संस्था का कार्यकर्ता हूं न्यूयॉर्क में और इसे आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। आबकारी विभाग ने बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नवीनीकरण से शेष रही अंग्रेजी और देसी दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन मांगे जा चुके हैं और 27 फरवरी को लॉटरी के जरिए आवंटन किया जाएगा, लेकिन जीएसटी नोटबंदी के बाद में शराब लाइसेंस फीस में वृद्धि के चलते इस बार कुछ लाइसेंसियों ने नवीनीकरण नहीं करवाया है। प्रदेश में देसी शराब के 1228 ग्रुप नहीं उठे, वहीं अंग्रेजी शराब की 20 दुकानें नहीं उठ पाई। क्योंकि हमने पिछले साल ही पॉलिसी में नवीनीकरण का प्रावधान कर दिया था तो इस बार भी नवीनीकरण किया जा रहा है। तो नवीनीकरण में कुछ ऐसी शॉप्स थी जिनका कि नवीनीकरण कंसर्न लाइसेंस नहीं कराया है और उन्होंने विकल्प का ऑप्शन हमसे नहीं दिया है, तो उन दुकानों के बारे में हमने लॉटरी का प्रक्रिया अपनाई है। वो करीबन 1226 दुकानें हैं जिनकी कि हम लॉटरी निकाल रहे हैं और उनमें आवेदन आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में आवेदन आ भी गए हैं और 25 तारीख तक हम आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। 25 तारीख तक जो आवेदन आएंगे उनकी 27 को लॉटरी निकाली जाएगी। वक्त एक ब्रेक का है, फॉरन लौट रहा है।
कनेक्शन देने के लिए जरूरी मटेरियल की खरीद फरोख्त की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सबसे पहले तो हमने मुख्यमंत्री महोदय के डिक्लेरेशन के जस्ट बाद में जो फरवरी 2010 से लेकर 31 जनवरी 2012 तक के कनेक्शंस हैं उसको वर्कआउट करके और उसको मैनेजमेंट से अप्रूवल लेके उसके निर्देश निकाल दिए कनेक्शन जारी करने के तीनों डिस्कॉम के लिए। आज बजट घोषणा का दावा किया गया है कि ये कनेक्शन रबी की फसल से पहले दिए जाएंगे, यानी अक्टूबर तक 2 लाख कनेक्शन हो जाएंगे, लेकिन खुद विभाग के अधिकारी मान रहे हैं कि ये काफी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि डिस्कॉम इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करने में कितना सफल हो पाता है। विकास शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। मिशन 2018 के लिए जुटी बीजेपी ने सियासी नियुक्ति प्राप्त नेताओं की जन कुंडली बनाने का काम तेज कर दिया है और इसी के चलते आज प्रदेश मुख्यालय में बोर्ड, निगम चेयरमैन, जिला प्रमुख और महापौरों की बैठक हुई, जिसमें वी सतीश, अशोक परनामी और चंद्रशेखर ने बजट घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने सहित कई अहम निर्देश दिए। तीन उपचुनाव के परिणाम ने बीजेपी को हिला दिया है। अब मिशन 2018 और 19 को लेकर अलग रणनीति तैयार की जा रही है। प्रदेश मुख्यालय में समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो गया। समीक्षा उनकी भी की जा रही है जिन्हें मौजूदा राज्य शासन में सियासी नियुक्तियां मिली हैं। बोर्ड, निगम अध्यक्षों साथ ही जिला प्रमुख और महापौरों की समीक्षा बैठक में वी सतीश, अशोक परनामी और चंद्रशेखर ने कई निर्देश भी दिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में अशोक परनामी ने कहा कि बीजेपी ने अच्छी योजनाएं दी हैं, चाहे किसान हो या गांव गरीब, हर वर्ग को राहत पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस ने तो किसान को कर्ज में डुबोया। बैठक का एक ही एजेंडा था कि किस प्रकार से जनता के बीच में जाकर के हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रदेश सरकार की योजनाओं को और प्रभावी रूप से नीचे तक पहुंचाने का काम, हमारे जितने भी संगठन के जो कार्यक्रम है उन संगठन के कार्यक्रम में प्रभावी रूप से इन जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। इसके साथ साथ इन तीन उपचुनाव में जो हमारे को विजयी हासिल नहीं हुई उन कारणों पर चर्चा करना और उन कमियों को दूर करके पुनः राजस्थान प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास को कायम करना। बैठक में कई बातें उठी। जिन नेताओं को सियासी नियुक्ति मिली है उन नेताओं ने कहा कि अधिकारी हमें पहचानते तक नहीं है, ऐसे में उनके साथ कम्युनिकेशन गैप रहता है और न ही हमारी बात सुनते हैं। भूपेंद्र सैनी और शंभू सिंह खेतासर ने खाली पड़े सियासी पदों को भरने की बात कही। वहीं आला कमान ने अपने कामकाज की रिपोर्ट बनाने को कहा है। जिला प्रमुख और मेयरों को भी टास्क सौंपा गया है। हर बार हम लोग की जो 3 महीने के बाद बैठक होती है बोर्ड और आयोगों के जो अध्यक्ष हैं उनको उनके वर्किंग रिपोर्ट ली जाती है और हम लोग क्या नवाचार कर रहे हैं अपने विभाग में, कैसे सारी योजनाओं को हम लोग नीचे ले जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेना और हम लोगों ने जो किया है उसकी जानकारी देना, वही बैठक थी। और हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन दिए गए आगे जो और किस तरह से हम लोग फास्ट काम करें। हर बार हर तीसरे महीने इस प्रकार की एक बैठक करते हैं जिसमें सभी बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन की जो पुरानी अचीवमेंट्स हैं उन पर भी बात करते हैं, साथ ही साथ संगठन पर भी बात होती है। हर दृष्टि से मंथन करके हम लोग एक रोड मैप भी कंस्ट्रक्ट करते हैं और उस रोड मैप को अब की बार जैसे हमने बहुत गहरे जनसंपर्क का और जो हमारे काम है उनको जनता तक और गहराई तक कैसे ले जा सके इस पर एक ब्लूप्रिंट बनाया है। बहरहाल बैठक से मिले संकेत के आधार पर कहा जा सकता है कि पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतरने वाले निगम और बोर्ड चेयरमैन बदले जा सकते हैं। माना जा रहा है कि कुछ निगम बोर्ड अध्यक्षों की कार्यशैली से भी नेतृत्व खफा है, ऐसे में चुनावी साल में बदलाव संभव है। जिला प्रमुख और मेयर से भी साफ कह दिया गया है कि जनता के बीच जाकर खुद को साबित करें और सरकार की उपलब्धियों को जन जन के बीच पहुंचाने में भूमिका निभाएं। योगेश शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। ब्यावर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में अब सियासत शुरू हो चुकी है। आज पीसीसी चीफ सचिन पायलट घटना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग की, साथ ही परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी की भी घोषणा करने की मांग की। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ब्यावर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने गैस सिलेंडर दुखांतिका मामले में अधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से घटना की पूरी जानकारी ली। इसके बाद पायलट पीड़ित परिवारों से मिलने उनके घर भी गए। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि राहत कार्य समय और सही तरीके से चलाया जाता तो मौतों का आंकड़ा कम होता। सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से यह हादसा हुआ है वो दुखद है, लेकिन मामले की जांच के साथ मामले में सरकारी लापरवाही को भी रेखांकित किया जाना चाहिए। यदि मामले में कोई अधिकारी दोषी है तो उसे भी चिन्हित किया जाना जरूरी है। ये जो हादसा हुआ है अत्यंत दुखदायी है और मैं ऐसा मानता हूं कि
जब भी ऐसी दुर्गति होती है उसमें ऐसी दुर्घटना में हम सबको संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने बताया कि सरकार द्वारा शराब दुखांतिका जैसे मामलों में 5 लाख से अधिक का मुआवजा दिया जाता है, जबकि इस मामले में सरकार ने महज 2 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। सचिन पायलट ने सरकार से मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की मांग की। कई घंटों तक ये प्रकरण चला। अब जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों को, अभी हम एक महिला के घर गए जिनकी मृत्यु हो गई है, वो बर्तन मांज के अपने घर का पालन पोषण करती थी। अब ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सरकार को जो मृतक जन हैं उनके परिवार वालों को जो मुआवजा सरकार ने दिया है वो नाकाफी है, उसको बढ़ा के देना चाहिए। इस मामले में जिन 19 लोगों की मौत हुई है उनमें से सबसे ज्यादा लोग पीपार सिटी के ही रहने वाले हैं। ऐसे में सचिन पायलट इसके बाद पीपार सिटी रवाना हो गए। इस दौरान सांसद रघु शर्मा और कांग्रेस देहात अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ भी उनके साथ मौजूद रहे। मनवीर सिंह, जी मीडिया, अजमेर। जोधपुर के सेंट्रल जेल में एक बार फिर से सुरक्षा की पोल खुल गई है। जेल में बंद राजसमंद लाइव मर्डर मामले के आरोपी शंभूलाल रेगर के जेल से 2 वीडियो वायरल हुए, जिसमें शंभूलाल ने जेल में एक बंदी से खुद को जान का खतरा बताया है। पहला वीडियो 2 मिनट 25 सेकंड का है, जबकि दूसरा वीडियो 6 मिनट 19 सेकंड का है। ये वीडियो वायरल होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वीडियो में शंभूलाल रेगर ने कहा है कि कुछ दिनों से वसुदेव ब्राह्मण नाम के बंदी से ने उससे दोस्ती बढ़ाई है। वसुदेव पश्चिम बंगाल का है और फर्जी नाम पते से जेल में बंद है। वसुदेव उसे मारना चाहता है। जेल में से होने का सवाल है तो बड़ी बात है, कहीं ना कहीं तलाशी में या कहीं चूक हुई है, क्योंकि इन दिनों ये बंदी थोड़ा सा मंदिर वंदिर भी जाने लगा था, हम इसको थोड़ी ढील दी थी, हो सकता है वहाँ किसी बंदी से इसने मोबाइल ले लिया हो और वो किया हो। उसके बाद में हमने तलाशी की तो ये बता नहीं रहा है अभी कि ये किससे लिया और कहाँ इसने उसको बाद में डाला, छुपाया या किया, लेकिन उसके बाद तलाशी लगातार जारी है और हम हो सकता है आज शाम तक कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल कर पाएं, उसको जब बरामद भी कर पाएं। मामले पर गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि जेल में शंभूलाल के पास में मोबाइल कहां से आया इस बात की जांच की जा रही है। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। पास ये कहीं तो भी मोबाइल हाथ आया, वो जांच मेरी बात हो गई वहां से विक्रम से भी, जो हमारा इस समय जो है ना वहां इंचार्ज है। घटना की सारी जानकारी के बाद ही कहां हुआ है, किसकी गलती है, कहां लैपटॉप रहे हैं, उसकी जांच। झारखंड में हजारीबाग के उलांज गांव में शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई। स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में आयोजित कलश यात्रा के दौरान 501 महिलाओं ने अपने सिर पर कलश धारण किए। वहीं कार्यक्रम में जी रीजनल चैनल्स के सीईओ जगदीश चंद्रा ने भी शिरकत की। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और जयपुर फुट यूएसए की ओर से नाकोड़ा तीर्थ में चल रहे 3 दिवसीय दिव्यांग सहायता शिविर में कई दिव्यांग पहुंच रहे हैं। शिविर में अब तक 750 दिव्यांगों को लाभान्वित किया जा चुका है। जल्द ही अमेरिका में शिविर संबंधी प्रदर्शनी और सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। राणा के मीडिया चेयरमैन प्रेम भंडारी ने जानकारी